हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है अंशिका। अंशिका कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसका एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल लो होना, फिर अप होना, फिर ऐसे थोड़ा डाइसी था। अभी ये अपनी जर्नी खुद बताएगी, मैं चाहता हूँ। ठीक है, इसकी रैंक है जी 35। आईपी में ऑब्वियसली इसका जिस दिन ये फर्स्ट डे आए थे, इनके मम्मी पापा भी यहाँ आए हुए हैं, अभी उनसे मिलवाते हैं आपको, मिठाई भी खिलाते हैं आपको। टेंशन क्यों ले रहे हो यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये फर्स्ट डे आई थी तो इन्होंने बोला मेरे को, शायद आपने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि मुझे MSIT चाहिए सर, MSIT मिल जाएगा क्या। और अभी जिस जो इसकी रैंक है और आप कट ऑफ जाके देखो, उसके हिसाब से इसको MSIT मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया लगता है एज ए टीचर मेरे को कि भाई जो बच्चा सोच के यहाँ आया उसको वो मिल गया, हो गया काम, है ना। तो मैं एक बार अंशिका को कहूँगा कि वो शुरू से अपना थोड़ा सा बताए, पहले कौन से कॉलेज से हो आप, है ना, कौन से कॉलेज से हो और कौन सी स्ट्रीम है आपकी, और कब आपके माइंड में आया कि आपको लेटरल एंट्री के लिए जाना है। कई बच्चों के माइंड में आता है कि डिप्लोमा के बाद हमें जॉब के लिए जाना है, प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो तुम्हारी ये तीसरी लाइन कैसे क्लियर थी वो थोड़ा सा बताओ। तो सर, मैं कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से हूँ और मेरी ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और ये तो डे वन से बहुत क्लियर था कि हमें डिग्री में तो जाना ही है, क्योंकि डिप्लोमा की एज सच कोई वैल्यू है नहीं आज की डेट में। तो ये कैसे पता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, आपको ये कैसे पता? सर, फैमिली में ऐसी बातें, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, बिकॉज़ ऑफ योर मम्मी पापा ब्रदर, और तुम्हें पता था। हाँ ठीक है जी। और अच्छा, मैंने ये पूछा कि मेरा ये पहला क्वेश्चन आपने बता दिया कि हाँ, इसलिए मैं क्लियर था कि लेटरल एंट्री में आना। अब लेटरल एंट्री में आना है तो तुम्हें कैसे पता लगा GCC कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके तैयारी करनी है? सर, मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया था तो सबसे ऊपर आपका ही नाम आता था, और फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी थी आपकी, तो काफ़ी अच्छी रैंक आपके ऊपर। नाम तो फेक भी आ सकता है, तुम्हारा नाम फेक भी हो सकता है वो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं आया था, ऐसा नहीं आया। अच्छा, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर जब तुम यहाँ आए वो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था वो कैसा था, क्योंकि तुम ऑफलाइन आए, ऑफलाइन के बाद आपको, आप शायद कहाँ, आप कहाँ रहते हो? जनकपुरी। जनकपुरी में रहते हो ना, हमारा इंस्टीट्यूट है जी आदर्श नगर में, तो जनकपुरी से आदर्श नगर थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि जब तुम इंस्टीट्यूट में आए यहाँ पर, तो तुम्हें वो जितना तुम्हारी एक्सपेक्टेशन था, ऑनेस्ट रिव्यू है ये, है ना, तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था वो सही था, गलत था, मीडियम था वो? सर, बहुत अच्छा था, इनफैक्ट बहुत अच्छी थी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो अच्छा ठीक है, और फैकल्टी के अकॉर्डिंग? फैकल्टी भी बहुत अच्छी, सारे टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते थे। जो तुमने डे वन में सोचा था वो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा था? यस सर। ठीक है, आपने कितने टेस्ट दिए होंगे GCC में टोटल? ऑलमोस्ट सारे ही दिए थे सर, कुछ कुछ छोड़े भी थे, जैसे मैथ्स के नहीं दिए थे, बाकी क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि उतने अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी मैथ्स की। हमारा तीन चार सेक्शन है आईपी में ना, चार सेक्शन है, एक है मैथ, रीजनिंग, अपना मैकेनिक्स, कंप्यूटर। कौन सा सेक्शन आपका सर? कंप्यूटर वाला ज्यादा अच्छा था, सबसे स्ट्रांग कंप्यूटर, उसके बाद मैकेनिक्स, रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ्स। मैथ को आपने बिल्कुल लास्ट में, इसलिए मैथ के आपने टेस्ट भी छोड़ रखे। ऐसा क्या है डिप्लोमा वाले बच्चों को, ऐसा क्या दिक्कत है कि भाई मैथ के जो मैथ्स इतने टेंशन क्या है, इतना मतलब ऐसा क्या है, मतलब यहाँ पे टीचर्स मैथ का सही नहीं पढ़ा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बट पता नहीं, डिप्लोमा वालों को फियर है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम बीटेक करने जा रही हो तो तुम्हें मैथ से तो थोड़ा बहुत और नजदीक आना होगा। मतलब अगर तुम आ चुकी हो थोड़ा सा, थोड़ा और जाना अगर कर लोगी तो उसके बाद तो बढ़िया ही बढ़िया। और मेरे को जितना पता है, मतलब मैं अपने, अगर अपने बीटेक के टाइम को सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट थी, अगर वो कंप्यूटर फील्ड में है तो वो फ्री हैं आज की डेट में। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 15 साल बीत गए बेटे उस बात में। आज भी मैं अगर देखता हूँ तो अगर गर्ल्स कैंडिडेट कंप्यूटर में है तो MNC में बहुत तगड़ा, मतलब आप लोगों को वो एक वो मिलता है कि हाँ जी शील्डिंग लगा लो या जैसा भी। एक तो क्या है कि मैकेनिकल में क्या है कि आप सब चाहते हैं कि ऑफिस जॉब मिल जाए, गर्ल्स कैंडिडेट लगभग यही चाहती है कि फील्ड की जॉब ना हो, है ना, हमें ऑफिस जॉब मिल जाए, तो मेरे हिसाब से वो है। तो लड़कियों के लिए भाई, जो लड़कियां अभी भी सोच रही है भाई डिप्लोमा के बाद हम अपना
कोई मतलब मेरे को नहीं पता अंशिका तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे तुम्हारी क्लास में? 60 अप्रोक्स। मैं कस्तूरबा की बात कर रहा हूं। 60 अप्रोक्स। 60 अप्रोक्स में कितने बच्चे जो हैं वो लेटरलैंड बीटेक के लिए गए हैं? सर 10-15। यानी 60 में से सिर्फ 10 लड़कियां ऐसा सोच रही जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, तो मेरा मे बी उन लोगों के फाइनेंशियल प्रेशर उन लड़कियों का या फिर उनको ये प्रेशर है, लेकिन मेरे को मैं उनको सबको बोलना चाहता हूँ कैमरे के बैक साइड पे, पहले एक बार आप 3-4 साल पहले की हमारी वीडियो उठाओगे ना तो आपको पता लगेगा वहां पे हम बोला करते थे यार क्यों ऐसा क्यों है कि टॉप 50 में गर्ल्स कैंडिडेट नहीं है, ऐसा क्यों है कि टॉप 50 में गर्ल्स कैंडिडेट नहीं है ना। आज 4 साल बाद वो चीजें चेंज हो गई, आपको टॉप 50 में गर्ल्स कैंडिडेट दिख रहे हैं। अब जब ये यहाँ पे दिख रहे हैं क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट पूरी क्लास में, जब हम 60 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे पढ़ रही हैं लड़कियां, तो 60 बच्चे बढ़िया टॉप रैंक लाएंगे ना, 2 में तो कम ही बंदे ला पाएंगे अगर कम बंदे अप्लाई करेंगे। अब इसके केस में भी 60 टोटल क्लास में बच्चे हैं और जिसमें से 50 जो है वो शायद जॉब के लिए देखेंगे या किसी की वेडिंग हो जाएगी या किसी का कुछ या किसी का कुछ, ऐसा ही होगा बेटे, हंसने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। लेकिन मेरी भाई पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ी प्रार्थना है क्या कि यार हमें जैसे लड़कों को मौका दे रहे हैं ना, सेम वो मौका लड़कियों को मिलना चाहिए। वो लास्ट में करके दिखाती हैं, आपको रिजल्ट जो है वो मिलता है और लास्ट में आप, मैंने जो ऑब्जर्व करा भाई, मैं अपने अपने बुआ दादा चाचा ताऊ, आपको लग रहा होगा यार मैं पर्सनल बातें कैसे करने लग जाता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि बेटियां जितना अपने माता पिता का कर सकती है ना, बेटे इतना नहीं करते भाई, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप लोग अगर अपने किसी बहन में हो ना कि इसका ब्याह कर देंगे, इसकी शादी कर देंगे, इसका ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो शादी होने के बाद भी बेटे जितना अपनापन माता पिता को वो गर्ल लड़की दे सकती है ना, उतना मेरे को लगता है, ऐसा हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है कहीं ऑफेंड भी हो इस बात पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़के थोड़ा सा कम दे, वो सेंसिटिव कम होते हैं, गर्ल ज्यादा होती है, केयरिंग होती है माता पिता के लिए। तो आप लोगों को भी, कैमरे के बैक साइड वालों को भी, अंशिका से या मेरे से एक मैसेज ये जरूर आपको मिलना चाहिए कि भाई लड़कियों को भी हायर स्टडी का मौका मिलना चाहिए। इसकी क्लास में अगर 60 बच्चे आते, मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास आओ भाई पढ़ाई करो, नहीं भाई उनको कहीं भी पढ़ने दो लेकिन पढ़े, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। तो ये तुमने अभी ये तुम्हारे, तुमने अपनी सिर्फ 10 की बताई, ऐसे तुम्हारे कॉलेज में 6-7 स्ट्रीम होंगी, उसमें सब में यही होगा। अगर मैं उठा के रेशो देखूंगा तो 1000 लड़कियों में से या 500 लड़कियों में से मात्र 30-40 लड़कियां होंगी। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात बताता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में 350 के आसपास बच्चा पढ़ रहा था, 350 के आसपास से, सॉरी 350 के आसपास से मैं मार्क कर सकता हूँ बेटे 20 लड़कियां ने, और 20 लड़कियों में से आपको काफी फोटो दिख जाएंगे लड़कियों को। पीयू लीट में लास्ट टाइम रैंक 1 रैंक 2 कौन है, लड़कियां हैं, रैंक 1 भी लड़की की है, रैंक 2 भी लड़की की है भाई, पीयू लीट 2023 उदिता वर्मा और दीक्षा अरोड़ा, देख लेना यूट्यूब पे डाला हुआ है यार, मैं ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ। तो लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए भाई। चलो इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, कई बच्चे सोचेंगे अरे यार हम तो अपने दीदी से ये पूछने आए थे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या है। तो ये बताओ मैथ में तुम्हारा अपने जूनियर्स के लिए डू नोट क्या है? PYQs तो जरूर करनी है सर, क्योंकि जब ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होता है तो सबसे ज्यादा PYQs रिपीट होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि मैंने सीनियर ने बता दिया, बढ़िया बात है। मैंने तो अपने लिए पर्सनली यही किया था तो वो चीज मेरे को काफी हेल्प। तुमने PYQ कैसे किया, रटा या खुद सॉल्व करके? कुछ सॉल्व कैसे निकल रहा है, कुछ सॉल्व किए, कुछ रटने भी पड़े। वैसे मैंने आपके बैच में, और आपने अगर ऐप में देखा होगा, आपके बैच में 2020 पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर डाला, फिर 21, फिर 22, फिर 23। एक हमने यहाँ पे 100 डे चैलेंज करा था बेटे कि सुबह 5 बजे उठना, उसमें कुछ बच्चे आते थे जो बहुत सिंसियर थे, अंशिका नहीं आती थी उसमें, ठीक है, ये शायद सोने में माहिर होगी या ये हो सकता है नाइट ऑल हो कि भैया रात को पढ़ेंगे, रात को थोड़ी शांति है, अलग अलग। भाई मैं नहीं कह रहा मेरे हिसाब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। उसमें जो सुबह बच्चे आते थे वो क्या, उनके साथ मैंने बोला कि यार तुम्हें पता है पेपर आना है ये वाले, तो इन पेपरों के सोल्यूशन बनाओ, उन्होंने बनाए, वो मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर करे थे। तो जिन जैसे उसमें मोनिका ने बनाया था वो सोल्यूशन पूरा, एक पेपर 2023 का लिखा था, उसने लिखा सर अगर वो मैं पेपर नहीं बनाती तो मैं पेपर को शायद देख भी नहीं रही थी, और आपने वो पूरा पेपर मेरे से हैंड रिटन लिखवा लिया तो मेरी रैंक आ गई 50, मोनिका की रैंक आई 50, ठीक है जी, बढ़िया बात है। तो एक तो ये हो गया PYQ करो, दूसरा तुम देख रहे थे, तुमने जाके YouTube देखा तो तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे ना,
और उनके आंसर आपको इस यूट्यूब में शायद मिल गए, तो ये भी तुम्हारा सेशन देखने आएंगे, तो उनको आंसर मिलने चाहिए। तो अगर कोई लड़की फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपका उसको क्या कहना है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद तुरंत तैयारी करना ठीक है या फिफ्थ सेमेस्टर के बाद भी चलेगा, क्या है? सर अगर मैथ्स कर रहे हो तो उसमें टाइम एफर्ट पेशेंस सब कुछ चाहिए, बट जब एंड में टाइम कम होता जाता है तो फिर लगता है कि अगर वो 75 क्वेश्चंस बाकी हैं तो उस पर मास्टरी करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मैंने मैथ्स को ज़्यादा किया नहीं था, फिर पी वाई की आपका सारा ध्यान जो है वो तीन ही सेक्शन पे था, अपना मैकेनिक्स और कंप्यूटर। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रही है, मैं बता देता हूँ भाई, ये कह रही है कि अगर तुम मैथ को साथ में लेके जाना चाह रहे हो तो भैया फोर्थ सेमेस्टर के अपने एग्जाम लिखो और उसके बाद कहीं ना कहीं अपना मैथ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और साथ साथ मैकेनिक्स रीजनिंग, ये क्योंकि इजी है, ये बाद के 4-5 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैथ स्टार्टिंग से कर लोगे तो बढ़िया। ये इसने नहीं किया, जो ये नहीं कर पाई वो तुम्हें बता रही है, अगर ये कर लेती मैथ भी तो हो सकता है इसकी ये 5 रैंक यहाँ से छिप जाती है और सिर्फ 3 रैंक आते, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर से 3 निकल जाता और यहाँ पे सिर्फ 5 ही आता, है ना? तो ऐसा हो सकता था कि ये टॉप 10 में आ जाती है, और हो सकता है इसकी सिंगल डिजिट 1 रैंक आ जाती है और ये अपना भला भी कर लेती, भाई मैथ भी इम्प्रूव हो जाता, लेकिन पता नहीं भाई बंदों को इतना डर क्यों है, इतना खौफ क्यों है, है ना? अगर हमें करनी है इंजीनियरिंग है, अगर हमें सिर अपना बिल्कुल उसी साइड देना है तो मैथ से डरना नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो लड़ना चाहिए डरने की बजाय। चलिए बढ़िया बात है, तो मैं चाहूंगा अंकल आंटी को भी, मैं पहले आपने कुछ बोलना है तो बताओ फटाफट से, जूनियर के लिए एक मैसेज तो हो ही जाए फटाफट से जल्दी, कि मतलब अपना स्टार्टिंग से करना चाहिए अगर मैथ्स करनी है। मैं पूछ लेता हूं जनरली, बताओ अगर कोई बच्चा बिना कोचिंग के लेटर एंट्री एग्जाम देना चाहे तो वो बड़े आराम से कर सकता है, या उसे कोचिंग की कहीं ना कहीं जरूरत है? सर मेरे अकॉर्डिंग सच है, मतलब रिसोर्सेस तो इधर उधर से अगर गैदर कर सकते हो तो हो जाएगा, वरना फिर एक कोचिंग की जरूरत तो पड़ती ही है आई गेस। अच्छा, कंटिन्यूटी में बने रहने के लिए, मतलब क्योंकि अपने आप तो फिर बहुत वो होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि नहीं करना, कभी किया नहीं, कोई प्रेशर डालने वाला होना चाहिए, होना चाहिए, खुद प्रेशर ऐसा बिल्डअप कर लो। हाँ वही, मैं तो ये वाली बात 1000 बार बोल चुका हूँ कि कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है अगर वो खुद पे अपना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते। बस आपके ऊपर क्या, हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारा क्या है, आप आओगे सैटरडे में उठ के आओगे तो आपको पता है कि भाई 6 घंटे यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा, और दो घंटे जो टीचर पढ़ाएंगे आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि भाई आज मैट्रिक्स हो गया, आज मैकेनिक्स में लो फोर्सेस हो गया, आज रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, तो उसको अगर हम नहीं कर रहे फिर उसका आपके पास असाइनमेंट आ रहा है, उस असाइनमेंट के बाद आपको लग रहा होगा यार ये टीचर बच्चे सारे मेरे साथ 50 बच्चे बैठे थे या 30 बैठे थे, तो एक एम्बियंस बन जाता है, बना बनाया ना, तो एक वो थोड़ा स्ट्रक्चर वे में आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप से वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं, तो बढ़िया बात है, कुछ बढ़िया। तो मैं अरे आप भी आओ सर, कमाल है, तो हमारे साथ सर भी आएंगे, मैम भी आएंगे, यार पेरेंट्स का फीडबैक भी जरूरी है, ठीक है? तो इसको इस सेशन को अलग करें फीडबैक को, ठीक है? आओ ना, आओ बेटे, आप भी आओ। तो कैसा लग रहा है सर आपको? पहले आप बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जेनुइनली बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लगा मैं, और इतनी दूर से हम सर का नाम सुन के और बच्चों का आपस में इनकी सलाह करी बच्चों ने आपस में कि हमें जो है वहाँ से करना है, हम आए हमने देखा, हमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, सर अच्छे लगे, इनसे बात करी हमने, हमें पता लगा इनकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है, तो हमने यहाँ डाला और हमें अपने हिसाब से और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, जितना हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिला, हम बहुत सेटिस्फाई हैं इसके रिजल्ट से। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है ये कि सर से जब हम फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो काफ़ी बच्चों ने तारीफ़ की थी, तो हमें भी लगा था कि शायद हमारा बच्चा भी ऐसे ही करेगा, और बिल्कुल सही वही बात हुई, हमने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे था कि इसकी 80 या 100 के बीच में रैंक आएगी, लेकिन जिस दिन रैंक आई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया यार, ये देखो यार, ये जनकपुरी से बच्चे का रिजल्ट आ गया, बच्चे की रैंक आ गई, बच्चे को पता रैंक आ गई तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तीनों लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट आना, मिठाई एक बहाना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना माता पिता के माउथ से, ये बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को, मैं जनरली बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को जज करना है ना बेटे, तो बच्चे
तुम बोल रहे हैं जो ठीक है क्योंकि बच्चे अपनी एज के हिसाब से बुझे, लेकिन जो माता पिता कुछ भी अगर बोल रहे हैं ना तो उनका अलग सिनेरियो है बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है और आप लोगों की बच्चों की जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो उन्होंने अगर कुछ बोला है तो उन्होंने कुछ फील करा है, कुछ समझा है। तो मैं जान पूछ के इन दोनों को बोला कि नहीं यार आप लोग अभी रुको, अपना फीडबैक अभी मत बोलो, आप कैमरे के सामने बोलना, ये यहाँ पे बातचीत करना चाह रहे थे अभी आए, मैंने कहा नहीं नहीं कैमरा ऑन करते हैं बस शुरू करते हैं। तो मेरे को इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माता पिता वाली बात भी आपके पास पहुंचे। मैं पहले नहीं करता था लेकिन मैं लास्ट एक साल से पेरेंट्स का रिव्यू भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा आ रहा है अगर वो पेरेंट्स के साथ आ रहा है तो बढ़िया रहेगा। और मुझे याद है मैम ने बीच में फोन भी करा कि अंशिका का क्या चल रहा है, तो मैं भी बताता हूँ अंशिका, तो मैम ने बोला कि थोड़ा वो सोच रही कि अभी ऑफलाइन उसको दूर पड़ रहा है, बीच में इसके एग्जाम भी आ गए थे, पता है तीनों तरफ से प्रेशर होता है, क्या होता है उधर से आपका एग्जाम आ जाएगा कॉलेज में एग्जाम आ जाएंगे, उधर से आपका इंस्टीट्यूट आपको लगने लगेगा, भाई साहब बहुत दूर है, लेकिन इससे भी दूर दूर बच्चे आते। मैंने मैम को बोला कि बच्चे इससे भी दूर दूर आते हैं, तो मैम ने कहा लेकिन अगर उसको लग रहा है कि वो इस एंगल से ऑनलाइन में वो सारी क्लासेस को कवर कर लेगी तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसने ऐसा ही करा। और लेकिन उसने सिंसियरली वो टच में रही, आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज में देखोगे तो हाँ मैं अब ये कर रही हूँ, मैंने ये कर लिया, मेरे टेस्ट में ये स्कोर आ रहा है, वो भेज रही थी बीच बीच में है ना, अपना स्कोर भी ओवरऑल भेज रही थी, तो ठीक लग रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी चले गए हो और हमसे एकदम कनेक्टेड चाहते हो तो ये वाली चीजें करनी पड़ेगी। तो ये भाई ऑनलाइन ऑफलाइन का, और ये पेरेंट्स का रिव्यू, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कैमरे के लिए कि आप इतनी दूर से आए हो। नहीं सर, आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी है, आप इतनी दूर से, इतना अच्छा लगा। हम ये जो आपकी बात, आपने एक बात कही कि बेटियां क्यों नहीं पढ़ती, हमारा बेटा भी जो है बीटेक करा हुआ है, हमने कहा नहीं हमने इसको भी बीटेक ही कराना है, इसीलिए हमने वहां से करा के। तो आपकी इस मैसेज को, आपको शायद मैं एक चीज बताना भूल गया, हमारी बिटिया पहले ह्यूमैनिटीज में जा रही थी, हमने इसकी लाइन चेंज करी है, हमने इसको आर्ट्स लाइन से साइंस लाइन, हाँ इसको हमने कंप्यूटर में किया, डिप्लोमा किया, आज ये जो है आज ये बीटेक करने के कगार पे खड़ी है, अभी बीटेक कर ही रही है, समझ लीजिए इसका एडमिशन हो गया, हम बहुत खुश हैं इससे। यानी उसने 6 या 4 कितने पेपर रह गए ये फाइनल 3 पे, 3 पेपर के बाद जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, उसके बाद ये फाइनल इंजीनियर, उसके बाद अगर मान लो इसकी किस्मत ने काम करा और इसको यूएसआईसीटी मिल गया तो ड्यूल डिग्री का कॉलेज है, अगर इसकी नौकरी लगी बढ़िया बीटेक के बाद बहुत बढ़िया, नहीं तो वहीं से अपना मास्टर करो, हो गया जी हाँ, अब कहेंगे मास्टर तो नहीं करनी लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है गर्ल्स कैंडिडेट को जरूर पढ़ना चाहिए और वो उनको नौकरियों के अवसर भी ज्यादा है बॉयज कैंडिडेट के, आपको लगता होगा कि नहीं जी वो बस वो बैठते हैं जी और उनका हो जाता है, नहीं यार देखो ना वो कैसे बैठते हैं, कंपनी को भी तो पता है ना कि ऊपर टॉप लेवल में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ का वेटेज भी मिलता है, नो डाउट। हाँ जी सर, पूरी मैम क्या कह रहे हैं? सर मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मैथ्स बहुत अच्छा है इसका नहीं है, लेकिन थोड़ा ये भागती है मैथ्स से ना, अगर ये करती तो शायद इसके 5 ही रैंक आती है। मैं वही कह रहा हूँ ठीक है। तो इस वीडियो में पेरेंट्स का जो मैसेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंशिका का मैसेज मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग से मेहनत करनी है तो मैथ को पकड़ के रखना, अगर आपको लग रहा होगा मेरा 5वां सेमेस्टर फिनिश हो गया है तो आप उन 3 सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो, बाकी मेरी एडवाइस ये है कि अगर मौका मिला है कुछ सुधार करने का तो वो करना चाहिए भाई, अगर आपको एक साल मिलेगा पूरी तैयारी करने का तो उसमें यार 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैंने आपसे पूछा ना कितने घंटे पढ़ लेती थी आप बता दो, ये तो सच, हाँ, आप तो सच नहीं 2-3 घंटे जरूर पढ़ती थी, लेटरल एंट्री अलग से स्पेसिफिक नहीं, ये रात को ही पढ़ती थी पीसफुल, क्योंकि रात को पीसफुल रहता है, मेरा माइंड अच्छा लगता है रात को, बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे अपनी तरह से कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं, हमें मतलब मैं अपने टाइम की तैयारी को याद करता हूं तो मुझे लगता था कि मैं रात को जो कर रहा हूं और जब मैंने एक बार सुबह उठ के देखा तो मैंने अपने बेसिस पे फील करा कि सुबह की जो एक एनर्जी है, सुबह का जो कंसंट्रेशन लेवल है, मतलब जो चीज़ मैं 2-3 घंटे मेरे को लग रहे हैं खींचने में वो मैं 1.5 घंटे में सुबह फिनिश कर देता हूं, भी यही करते थे लेकिन अब थोड़ा सा इसलिए मेरा मॉर्निंग का मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बाउंड नहीं कर रहा बेटे, जहां आपको पढ़ने मेन बात है पढ़ने में मजा आना चाहिए,
आज की डेट में दुनिया को पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, पढ़ना बोझ लग रहा है। तो पढ़ना बोझ ना लगे, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, चाहे वो रात को आए चाहे वो दिन में आए, तो अगर मजा आ रहा है आप उस टाइम को आप कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू अंशिका। ठीक है जी, ओके, एक बार अंशिका बोलेगी, डिप्लोमा के बच्चे माइक में बोलेगी, डिप्लोमा के बच्चे अंशिका सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ग्रेट, जय माता दी।